नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। अभी कुछ ही महीने पहले देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मजबूत हुए विपक्ष के लिए फिर से कमर कसने का मौका आ चुका है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक ओर कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के पार्टी छोड़ने के बवंडर से जूझ रही है, तो वहीं राजस्थान सरीखे सूबे में बसपा के सभी 6 विधायकों का कांग्रेसी हो जाना पार्टी को उत्साहित करने वाला है। जबकि 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी भी अपना मजबूत करने का दावा कर रही है। ऐसे में देश के सामने आने वाले दिनों में फिर से पावर पैक पॉलिटिकल लीग होने वाली है और इस आधे घंटे इसी पर हमारी नजर रहेगी। और चलिए अगर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर सियासी गणित अगर समझें तो बीजेपी का शासन है और देवेंद्र फडणवीस सूबे के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 122 सीटें बीजेपी के पास हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना के पास 63 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में विपक्षी दल की बात करें, कांग्रेस के पास 42 और एनसीपी के पास 41 सीटें हैं। जबकि लोकसभा 2019 की बात करें तो बीजेपी को 23 और शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। और वहीं लोकसभा में एनसीपी को 4 सीटें जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पावरफुल गठबंधन बीजेपी शिवसेना का है। हार की निराशा में घिरी कांग्रेस के लिए यहाँ चुनावी डगर बहुत बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा के सियासी गणित की, तो अगर हरियाणा के सियासी गणित को समझें तो यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 47 सीटें बीजेपी जीती है। और 2014 में हरियाणा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और चुनाव के बाद आरएसएस प्रचारक मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया था। जिन विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी के पास 48 सीट हो गई है। और अगर 2014 की बात करें तो यहां पर चुनाव में कांग्रेस से 17 और इनेलो के पास मात्र 19 सीटों पर जीत हुई थी। हालांकि इस समय इनेलो के 10 वर्तमान विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और वहीं जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए 4 विधायक अयोग्य घोषित हुए हैं। बीजेपी ने इस बार हरियाणा में 75 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। तो लोकसभा 2019 में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज भी की थी जीत। और अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड का अगर सियासी गणित समझें तो यहां पर बीजेपी की सरकार है और रघुवर दास यहां के मुख्यमंत्री हैं। 82 सीटों वाले झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव और 1 नामित होता है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झारखंड में 37 सीटें मिली थी और चुनाव के बाद झारखंड विकास मोर्चे के 6 विधायक बीजेपी में आ गए थे। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन का बीजेपी के साथ गठबंधन है और ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन के पास 4 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में गठबंधन की सीटें मिलाकर 47 सीटों के साथ बीजेपी बहुमत में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 19 और झारखंड विकास मोर्चा के पास 2 विधायक हैं। कुल मिलाकर झारखंड की बात करें तो 14 लोकसभा सीटों में से 11 जीतकर बीजेपी के हौसले इस बार बुलंद हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और इस बार बीजेपी ने झारखंड में भी 60 पार का नारा दिया है। तो राज्य में बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच मुख्य मुकाबला है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं और फिर चर्चा जारी रखते हैं। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरीश श्रीवास्तव जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। संतोष दुबे जुड़ चुके हैं शिवसेना के नेता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले हरीश श्रीवास्तव जी, इस बार चुनौतियां भले लोकसभा चुनाव तो बहुत अच्छे से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने जीता है, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव है कुछ ना कुछ यहाँ पर समीकरण अलग होते हैं। ऐसे में क्या लग रहा है इस बार, क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं बीजेपी के इन तीनों ही राज्यों के चुनाव में? देखिए, मुख्य मुद्दा विकास और सुशासन है
और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये मुद्दे हैं चुनाव के। और तीनों जगह, वो महाराष्ट्र हो, वो झारखंड हो, वो हरियाणा हो, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और हमारे लोग तीनों प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रीगण हैं, चाहे वो आदरणीय खट्टर जी हों या देवेंद्र फडणवीस जी हों या रघुवर दास जी हों, सभी लोगों ने अपने अपने सूबे के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार की उसको डिलीवर करने में उसका बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, इसलिए जनता का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसका पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मुझे लगता है कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो पिछली बार से बहुत अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तीनों स्थान पर बनेंगी। लेकिन हरीश जी, यहाँ पर बात की आती है सुशासन की, आपने बात करी, चाहे हम झारखंड की बात कर लें या फिर हरियाणा की बात कर लें, यहाँ पर सुशासन तो नज़र आता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर मॉब लिंचिंग के मामले में सरकार घिरती नज़र आई, उस पर अभी भी मामले थमे नहीं हैं। हरियाणा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त है, सब जानते हैं, तो किस किस बात का सुशासन, कैसे जनता विश्वास करेगी? देखिए दीपाली जी, मैं ये नहीं कहता कि कानून व्यवस्था के जिन मुद्दों को आप उठा रही हैं, एक तो मॉब लिंचिंग को लेकर के अप्रचार ज़्यादा रहा, कुछ एक षड्यंत्रकारी ताकतें थी जो इन सब चीज़ों को बहुत अनावश्यक तूल और इस पर अप्रचारित करती थी। सरकार की जिम्मेदारी तब बनती है जब किसी घटनाक्रम में सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। अगर अपराधियों के खिलाफ सरकारों ने कार्रवाई की है और उनमें उनके खिलाफ कड़े से कड़े दंड के प्रावधान के लिए सरकार ने काम किया है तो ये कानून का राज यही कहा जाता है कि हम कानून के निगाह में आम और खास सब बराबर होंगे और सबको हम बराबर न्याय देंगे। और तीनों ही सरकारों में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्रीगण हैं, सबका यह प्रयास रहा कि ये जो अपराध है इस पर एक प्रभावी नियंत्रण हो और उस दिशा में काम भी हुए। जी बिल्कुल, सुशासन, सुशासन से जो आपने कहा, जो सुशासन को लेकर के आपने जो सवाल उठाया, सुशासन का मतलब यही होता है कि सरकार पारदर्शी हो, सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव को आम और खास सभी नागरिकों को, बिना जाति धर्म के भेदभाव को सबको प्राप्त हो, वो सबको मिला। और जो आम जरूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विद्युत आपूर्ति हो, इस तरह की जो आवश्यकताएं हैं वो उस पर सरकार का फोकस हो। और ये आपने सभी हमारी तीनों सरकारों में देखा होगा कि हमारा फोकस आम आदमी की खुशहाली रही, आम आदमी का की स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी उनका निदान रहा, चाहे वो आयुष्मान योजना के माध्यम से हो या किसानों को कृषि सम्मान निधि के माध्यम से हो, बहुत सारी योजनाएं जो हमारी हैं उनके केंद्र में सभी आम नागरिक रहे। जी संतोष दुबे जी, यहाँ पर अब शिवसेना के ऊपर तो सवाल इसलिए उठ जाता है कि समझ नहीं आता कि वो कब अपने गठबंधन में है कब नहीं, अभी भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। पूरे साल में जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब आप एक तो नज़र आते हैं, लेकिन चुनाव के बीच में अगर देखा जाए, अगर चुनाव ना हो तो कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें जुदा जुदा नजर आते हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा क्यों ना हो उसको लेकर आप खड़े हो गए थे, कई बार आप विरोध में नजर आ जाते हैं, तो ये कैसा गठबंधन होता है जो चुनाव के वक्त तो हो जाता है और फिर बाद में जनता खुद कंफ्यूज हो जाती है कि ये दोनों साथ में रहते हैं या फिर अलग रहते हैं? जिस तरीके से देखिए, हमारा जो गठबंधन है आज का नहीं है, करीब 23-24 साल पुराना हमारा गठबंधन है और हम लोग लगातार साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात जो अलग दिखने की आप बात कर रही हैं, तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे हमारी जो है आक्रामकता ज्यादा है और हम चाहते हैं कि उस चीज को इस पे भारतीय जनता पार्टी विचार करे। जैसे राम मंदिर का मुद्दा आपने उठाया, तो राम मंदिर का मुद्दा क्योंकि
आप कोर्ट के सहारे हैं, हम कहते हैं कि अगर कोर्ट के सहारे हम कितने दिन तक इंतजार करेंगे, कब तक इंतजार करेंगे? जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, करोड़ों लोगों की भावनाओं का मुद्दा है, इसको कोर्ट के बजाय आप संसद में कानून बना के इसको पास करिए। हम इसलिए बात करते हैं कि जो ये मुद्दे हैं, जैसे 370 पे आपने निर्णय लिया, हम आपके साथ रहे, हमने कभी भी जो है बिना वैचारिक गठबंधन के हमने गठबंधन नहीं किया, हमारा वैचारिक गठबंधन है, और वैचारिक गठबंधन में कभी कभी विचारों का टकराव होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग हैं और हम इनसे दूर हैं, हम एक साथ हैं। घर में जिस तरीके से कई परिवार रहते हैं, आपस में सबके मन नहीं बनते, कभी कभी विचारों टकराव हो जाता है, तो उस तरीके के हमारे विचार, जो विचार हमको नहीं अच्छे लगते हम इनसे कहते हैं और जोरदार ढंग से कहते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई हम अलग जा रहे हैं, अलग नहीं जा रहे हैं, हम अपने बात को मजबूती से रखते हैं। ये हमारा, क्योंकि शिवसेना की ये पहचान रही है, राम मंदिर मुद्दा, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग हमेशा मैदान में और मजबूती से खड़े रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी इस टाइप के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हो, उसको, क्योंकि सरकार बार बार नहीं मिलती है, सरकार मिली है तो इन मुद्दों को हल करें और जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज दे। गुड गवर्नेंस का जो मैसेज है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उसके साथ है पूरी तरीके से, हम सही जो अलायंस है ये बताया जा रहा बहुत अच्छा इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि अभी सीट को लेकर अब पेच फंसा है। क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी मजबूत है तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर आपको झुकना पड़ेगा, पड़ सकता है? देखिए दीपाली जी, जो महाराष्ट्र का हमारा जो इनका गठबंधन है, वो पहले से ही तय था कि हम वहाँ बड़े भाई के रूप में चुनाव लड़ेंगे, पूरे देश में आप बड़े भाई के रूप में रहोगे। तो महाराष्ट्र की जो बाला साहब के समय जो गठबंधन हुआ था, वो गठबंधन आज तक चलता आ रहा है, उसमें किसी भी तरीके की भिन्नता नहीं रही। हाँ रही बात, क्योंकि कोई व्यक्ति जब मजबूत होता है तो चाहता कि भाई हम सारी सीटों पर लड़ लें, सारी स्थिति हमारी हो जाए, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है और महाराष्ट्र की जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य में शिवसेना की क्या अहमियत है, ये भी भारतीय जनता पार्टी को पता है, और हम, हमारी वार्ता चल रही है, अब लगातार बात कर रहे हैं, और कहीं भी इस तरीके का कोई भी वैचारिक मतभेद नहीं है, हम बात कर रहे हैं, निश्चित ही इसका रिजल्ट सामने आएगा। बिल्कुल। और अगर हरीश श्रीवास्तव जी, एक बार हम महाराष्ट्र का रुख करें और यहाँ की अगर बात करें, तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिन पर केस है करप्शन के, तो एक तरफ तो बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो क्या जो नेता आए हैं कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से, कोई भी, मैंने बताया कि जो भी भाजपा शासित राज्य हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, उसमें कानून सबके लिए बराबर है। कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हो तो, या भारतीय जनता पार्टी का हो तो, अगर कहीं कानूनी मुद्दा है तो जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो जांच पड़ताल कर रही हैं, वो अपना जांच पड़ताल करेंगी, और जो अगर कोई आरोप सिद्ध हो पाया जाता है तो जो कानून की प्राविधान है उसके तहत सबको उसका जो भी इम्प्लीकेशन होंगे उसको भोगना होगा। अच्छा हरीश जी, ये बताइए कि इस बार आप विकास की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या चेहरा जो होगा वो इस बार भी प्रधानमंत्री ही रहने वाले हैं, या वाकई आपके मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया है, इस बेस पर ही यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि अभी तक जितने विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़े जा रहे हैं, भले ही यहाँ पर काम की बात बाद में की जाती हो, लेकिन सबसे पहला जो नाम आता है वो प्रधानमंत्री का ही आता है। दीपाली जी देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सर्वोच्च नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेता हैं, तो वो तो उनकी गुडविल तो सबसे महत्व रखती ही है, उनकी उनका जो नेतृत्व है, उनका जो मार्गदर्शन है, उनकी जो रीति नीति है, तो वो उसका तो एक प्रभाव, वो तो हमारे सर्वमान्य नेता ही हैं जी। और रहा प्रदेशों में, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री गण हैं
वो प्रदेश में उनके नेतृत्व में सरकार चली है, तो निश्चित रूप से वो भी वहाँ के प्रदेश में चेहरे हैं। लेकिन जो सबसे बड़े हमारे जो पार्टी के नेता हैं, सर्वोच्च नेता है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी। जी संतोष दुबे, शिवसेना के क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार, क्या क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक आप लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ पे इस बार क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच पहुँचेंगे? ये शिवसेना के जो है जो मुद्दे हैं, वो सबसे बड़ी मुद्दा जो है हमारा जो है किसानों का मुद्दा है। जिस तरीके से किसानों को पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन इन 5 सालों में हमने भरसक प्रयास किया है वहाँ बिजली और पानी देने का। किसान आत्महत्या करता किसान ही इस बार इन 5 सालों में सबसे ज्यादा सड़कों पर नजर आई। और सरकार से अभी जो बीमा की राशि थी उसको लेकर हमने एक बृहद आंदोलन चलाया पूरे महाराष्ट्र में। और जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दों के लेकर हम लोग जबरदस्त वहाँ महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं और उसके साथ जो है हम लोग उनके मुद्दों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि जो महाराष्ट्र के अंदर गुड गवर्नेंस की बात होती है, एक कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए शिवसेना पहले से ही कृतबद्ध है। और इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर नौजवानों के बेरोजगारी का जो मुद्दा है, उस बेरोजगारी के मुद्दे पर भी हम लोग जो है मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर भी बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम जितने भी ये मुद्दे हैं जो जनमानस को लेकर चलने वाले मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर हम साथ काम कर रहे हैं। और निश्चित ही महाराष्ट्र में युति की सरकार फिर से काबिज होगी, ये हम सभी लोगों की आशा है और जनता की भी यही आशा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर से, अब बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के 3 राज्यों में, चाहे हरियाणा या फिर महाराष्ट्र या फिर झारखंड। यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत है क्योंकि लोकसभा चुनाव की जीत के बाद बेहद उत्साहित है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है विपक्ष की, कि विपक्ष इस बार किस तरीके से अपने आप को मजबूत करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष के कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इससे टूटती नजर आ रही, बिखरती नजर आ रही है। लेकिन चुनौतियाँ बहुत हैं, ऐसे में गुटबाजी भी बहुत है विपक्ष में, लेकिन उस विपक्ष को अब खुद मजबूत होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लोकसभा विधानसभा में मुद्दे अलग होते हैं। ऐसे में क्या विपक्ष मजबूत हो पाता है, या फिर ये जो वादे किया जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि यहाँ पर कहीं पर झारखंड में 65+, इस चुनौती को लेकर बीजेपी इस बार फिर से परचम लहराती है, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन चुनावी जो तैयारियां होती हैं वो शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।